हो जाती है, भक्ति हो जाती है। लेकिन संत संत पुरुषों की तरह तो लोगों को लगता है जैसा हमारा शरीर वैसा कहीं का, और अगर दुर्बुद्धि न समझ पाए तो लोग कहेंगे रहे तो चिड़प पीते हैं, तो ऐसा करते हैं, तो ऐसा पहनावा है, ऐसा हो, और भी नहीं समझ सकते और उनसे कोसों दूर चला जाएगा, कई पर्दे पड़ जाएंगे। तो भगवान में निष्ठा होना बड़ा सरल सहज है, लेकिन सदगुरु में, सत्पुरुषों में, सिद्ध पुरुषों में निष्ठा होना, भक्ति होना, समर्पण होना बड़ा कठिन है, परंतु है बड़ा लाभकारी, बहुत कल्याणकारी। भगवान के तो एक हाथ में अनुग्रह है, एक हाथ में दंड है, क्योंकि भगवान ने वेद का विधान बनाया है, इसलिए उसका पालन करना है। आप पूरे कर्म करोगे तो इसका दंड भी भगवान देते हैं। लेकिन संत सत्पुरुष जो होते हैं उनके दोनों हाथ में अनुग्रह ही अलग, वो कभी दंड नहीं देते। आप अपराध गलती करो तो भगवान उसका दंड देंगे, लेकिन सदगुरु सत्पुरुष के दर्शन करो, सानिध्य में रहो, तो आपके अंदर के दोष ही निकाल लेंगे। समझा करके, बुझा करके, डांट करके, अनुग्रह करके, कृपा करके आपके अंदर वो दोष निकल जाएंगे, तो आप बुरे कर्म करोगे नहीं, तो आपको उसका फल दुख भी नहीं भोगना पड़ेगा। इसलिए भगवान कहते हैं आचार्य गुरुजन सत्पुरुष मेरा स्वरूप माना। तो संतों के प्रति यदि निष्ठा होना है तो समझ लो कि आपका काम बन गया। तभी तो कहते हैं ना, संतन के संग लागे, संतन के संग लागे तेरी अच्छी Yeah।
लेकिन संत सदगुरुजनों के पास आओ तो वे आपका सत्कर्म पूछते हैं, धर्म पूछते हैं, भजन पूछते हैं, आपके आत्मकल्याण की चिंता होती है, नश्वर वस्तु की तो सब चिंता करते हैं।
शाश्वत के लिए यदि कोई चिंता करता है तो सत्सुरु करता है। संतों का दर्श मिलन सन्निधि आपकी पहली भक्ति है। ऐसे थोड़ी पेड़ में फल आता है, पहले वो बीज रहता है। तो आपकी जो और आठ प्रकार की भक्ति आपके जीवन में आनी है उसके लिए पहला बीज क्या है? संतों का संग। और अगर संतों का संग मिल गया तो भगवान की चर्चा, भगवान का चिंतन आपको होगा ही। और भगवान की साक्षात गृहिणी श्री जी, श्री रुक्मिणी के अवतार में कहती है, कृष्णावतार में कहती है, जब अपना पत्र लिख करके दिया ना भगवान कृष्ण को द्वारिका में भेजा ना, तो पत्र में पहला यही संदेश देती है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रणवतां ते निर्विश्य करण विवरैर हर त्वं गतापम्। हे द्वारिकाधीश, जब से मैंने आपकी कथा सुनी तब से मेरा मन चित्त आपका वरण कर लिया। इसका मतलब संतों का संग करो, दर्शन करो तो भगवान की कथा सुनने को मिलेगी, और भगवान की कथा सुनोगे तो भगवान के चरणों में अनुराग प्रेम बढ़ेगा और आपका कल्याण होगा। महाराज जी, कपिल देव भगवान से जब माने पूछा कि सहज रूप में आत्मकल्याण कैसे हो सकता है जी, तो भगवान कपिल देव जी ने पहले अष्टांग योग बताया। माने कहा एक बड़ा कठिन है और सरल उपाय नहीं है, तो कपिल भगवान ने कहा एक सरल उपाय है। क्या बोले? प्रार्थना है, प्रार्थना करो कि मुझे संतों का संग मिल जाए। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, संत सिद्ध पुरुष का संग। वहां एक लक्षण बताया सत्पुरुष का, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनः अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणः। से आप जा रहे थे, कोई कहता है स्टेशन से लेकर थोड़ा ही चलो, कितने ऊंचे पहुंचेंगे वहां पुरुष रहेंगे, शरीर का भी उनको भान नहीं रहेगा, केवल आत्मा में लीन रहेंगे, उन्हीं के भक्त से वचन निकल जाएंगे, जिनका पूर्ण रूपेण शरीर का देहा इमान समाप्त हो जाए वही वहां पुरुष के वचन हो सकते हैं, जिन्होंने इसका बीजारोपण किया, इस वृक्ष को लगाया। तिथि कृष्णवाहा कारुणिकाहा करुणा जिनके अंदर है, दूसरे के दुख नहीं सहन कर पाना ही करुणा है। सुहृदा सर्वदेहिनां सभी प्राणियों के प्रति सौहार्द भाव हो, दया का भाव हो। अजात सत्सद्रवा अपने से किसी को शत्रु नहीं मानते, सब परमात्मा की विभूति है। शांता साधव साधु जिनका जीवन चिंतन मेरे प्रति है, जो मेरे लिए सब कुछ त्याग देते हैं, ऐसे सत्पुरुषों का संग मां कोई करे तो क्या मिलेगा? मेरी ओर प्रेरणा मिलेगी। कुछ भजन कर लो, कुछ ध्यान कर लो, भगवान की चर्चा सुन लो, और जब मेरी कथा, मेरी बड़ाई, मेरी महिमा को तुम सुनोगे संतों के द्वारा, तो मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम जगेगा।
जैसे किसी की बड़ाई सुनो तो आकर्षण होता है ना, वैसे भगवान कहते मेरी जब कथा में महापुरुषों से संतों से बड़ाई सुनोगे तो तुम्हारी रुचि मेरी ओर जगेगी, प्रीति होगी, वो धीरे धीरे प्रेम बढ़ता जाएगा। आप चाहो कि मन पहले मेरे बस में हो जाए तब मैं भगवान का ध्यान करूँ, असंभव है, मन बड़ा चंचल है ना, मन का काम उसको करने दो, आप अपना काम करो, अपना काम करो। एक घंटे भजन करते हो आधा मन इधर उधर भागता है तो एक घंटा और बढ़ा दो, दो घंटा करोगे तो एक घंटा मन लगेगा ना भगवान में। तो मेरी जब महिमा को सुनोगे मेरे प्रति आकर्षण होगा, प्रेम होगा, धीरे धीरे वस्तु व्यक्ति संसार से अपने आप वैराग्य हो जाएगा, फिर मेरी प्रतिकृति रूप मेरे स्वरूप जो संत है उनकी कृपा से एक दिन माम अवरुंधे मेरे में तुम जुड़ जाओगे, मेरे में निवेश कर जाओगे, डूबने के बाद मेरे में फिर कभी आप निकल ही नहीं सकते। एक बार अगर प्रभु में किसी का लगाव हो गया, राधा जी का वचन है, वृषभानंदिनी ब्रजेश्वरी सर्व अनुग्रह करी, वृषभानंदिनी भगवती राधा जी का एक वचन है, भागवत में भ्रमर गीत में कहते हैं, यदनु चरित लीला कर्ण पियो सभी प्रुट सकृत गन विधूता द्वंद्व धर्मा विनष्टा सपदि गृह कुटुम्बम दीन मत सृज दीना बहवैव विहंदा भिक्षुचर्यां चरन्ति करुणामयी वात्सल्यमयी भगवती राधा रानी का एक वचन है कि एक बार कोई भगवान की दिव्य कथा को अच्छे से श्रवण कर ले, एक बार प्रभु की कथा का रसपान सही रूप में कर ले, एक बार यदि कोई कथा रस का सही रूप में आस्वादन कर ले अथवा एक बार प्रभु का दर्शन कर ले अच्छे से का मतलब है कि वृंदावन कई बार व्यक्ति गया और उससे पूछा गया बांके बिहारी के दर्शन किए, हाँ किए कई बार, तो बांके बिहारी लाल खड़े हैं कि बैठे हैं, बोले तो ध्यान से नहीं देखा हमने, तो आप गए 100 बार दर्शन किए और आपको यही पता नहीं कि भगवान खड़े हैं बैठे हैं। अयोध्या जी में गए कनक बिहारी सरकार का दर्शन किया, किया बैठे हैं कि खड़े हैं, बोले तो ध्यान नहीं दिया, इसका मतलब आप ठीक से दर्शन नहीं किए। एक बार कोई अपने नेत्र से और मन से बुद्धि से और आत्मा से एक साथ अगर दर्शन कर ले तो फिर भगवान से वो दूर नहीं हो सकता। यदनु चरित लीलां कर्ण पियो सभी प्रुट सकृत सकृत माने एक बार सकृत दन विभूता द्वंद्व धर्मा विनष्टा एक बार ठीक से कथा सुन लो, दर्शन कर लो, नाम जप कर लो या सत्पुरुषों के द्वारा भगवान की महिमा को सुन लो, क्या होता है आपके जीवन में परिवर्तन, द्वंद्व धर्मा विनष्टा आपके जीवन से द्वंद्व दूर हो जाते हैं। द्वंद्व ही तो परेशान किए हैं ना, गीता में भगवान कहते हैं द्वंद्व आने वाले हैं जाने वाले हैं,